नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाग में केवल फूल और पत्ते ही काफी है? और मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने बाग को एक ऐसा स्वर्ग बना सकते हैं जो न केवल खूबसूरत है बल्कि जंगली जीवन और खासकर पक्षियों को भी आकर्षित करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जंगली जीवन के अनुकूल बागवानी के बारे में। आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने बाग को जीवंत बना सकते हैं जिससे न केवल आपके बाग का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि आपको भी आनंद मिलेगा। हमारा बाग सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पक्षियों, तितलियों और अन्य जंगली जीवों को भी सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इसीलिए हमें अपने बाग में एक सुरक्षित आश्रय बनाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर पक्षियों को आपके बाग में भोजन और पानी मिलेगा तो वे आपका बाग अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। तो क्या आप तैयार है थोड़ी बागवानी करने के लिए? जैविक खेती केवल पौधों को उगाने का तरीका नहीं है बल्कि एक समर्पण है प्रकृति के प्रति। जब हम अपने बाग में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते तो हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं उन पौधों की जो जंगली जीवन को आश्रित करते हैं। अपने बाग में विभिन्न प्रकार के स्थानीय और जैविक पौधे लगाकर आप न केवल बाग को सजाते हैं बल्कि आप कई जीवों को भी बुलाते हैं। उदाहरण के लिए जैविक गेंदा व कनेर जैसे पौधे न केवल खूबसूरत होते हैं बल्कि ये जंगली कीड़ों को भी आकर्षित करते हैं। जैविक पौधों का उपयोग करके आप रासायनिक कीटनाशकों से छुटकारा पा सकते हैं जो न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि जंगली जीवन के लिए भी सुरक्षित है। हमारे बाग में पानी की उपलब्धता जंगली जीवों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा पानी का कटोरा और एक बर्ड पाथ आपके बाग में बहुत कुछ बदल सकता है। पक्षियों को बुलाने के लिए बस हमें उन्हें पानी देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार का पानी पक्षियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? इस रहस्य के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर कीट बुरा नहीं होता, क्योंकि कई कीट हमारे बागवानी में मदद भी करते हैं। जैविक तरीके से कीटों का प्रबंधन करने के लिए हम नींबू, लहसुन या मिर्च के स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्राकृतिक चीजें कीटों को दूर रखने में मदद करती है। हम अपने बाग में कुछ ऐसे स्थान बना सकते हैं जहाँ कुछ छोटे मोटे जंगली जीव आराम कर सके, जैसे घास का ढेर या कुछ चट्टानों का इस्तेमाल करना। ये स्थान छुपने और आराम करने के लिए आदर्श है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको इन छोटे मोटे जीवों से डरना नहीं है। ये प्रकृति हम सभी जीवों की है, इसीलिए इस प्रकृति पर सभी जीवों का समान अधिकार है। बस हमें इन जीवों के साथ एक सही तालमेल बनाकर रखना है जिससे वो भी अपना जीवन सुकून से जी पाए। इसीलिए आज से अपने गार्डन में केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना बंद करें और साथ ही पक्षियों और गिलहरियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे सब्जियों के पौधे लगाए जिन्हें लगाकर आप जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग ले सके, तो इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपके साइड में शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।